उत्तराखंड के सितारगंज में मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल के तीन बच्चों ने दुराचार करने का मामला सामने आया है। तीनों आरोपी नाबालिग हैं और उनकी उम्र 9, 11 और 10 वर्ष है। आरोपियों में एक विशेष समुदाय का होने पर बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन भारी फोर्स तैनात कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को संरक्षण में लिया है। सोमवार को एक गांव में महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी 4 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में उसी के नाबालिग साथियों ने दुराचार किया। वह पढ़ने के लिए गांव के सरकारी स्कूल जाती है। सुबह करीब 8 बजे स्कूल गई थी। 2-3 घंटे बाद वह रोती हुई घर आई। महिला ने जब पूछा कि रोने की वजह उसने पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले तीन बच्चे ने उसके साथ छेड़खानी की है। इसके बाद महिला ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। वहीं सरकारी स्कूल में हुई इस घटना से विद्यालय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने दुखद बताया है। साथ ही तीनों बालकों को पुलिस बाल कल्याण अधिकारी ने किशोर न्यायालय में पेश किया है। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। साथियों, सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है, उस स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 ईयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 ईयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का, सॉरी 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। ये 3 बच्चों द्वारा तो खेलने कूदने की आड़ में, तो कुछ मतलब बच्चों में खेल कूदने की आड़ में तो उस लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ जो है इस घटना सामने आया है। तो वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने, नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारी गण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया।